आपने कभी सोचा कि जो प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स है उसमें डिफरेंस क्या है? अगर नहीं सोचा तो अभी सोच के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि इनके दरमियान में फर्क क्या है। और एक बहुत अहम सवाल अक्सर हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं, या कभी हम अपने दोस्तों के दरमियान बैठे होते हैं और ये पूछते हैं कि यार आज बारिश होने की क्या चांसेस हैं जबकि बादल आए हुए हैं। और एक और भी सवाल हम पूछते हैं कि यार आज बारिश होने की क्या चांसेस हैं अगर धूप निकली हुई है। तो हम ये तो हमें रोजमर्रा जिंदगी में पता है कि हम इसका जवाब देते हैं कि हाँ हो सकती है, कम है या ज्यादा है, लेकिन क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आप इसका कोई फिगर मैथमेटिकली परसेंटेज में बता सकते हैं कि हाँ इतने परसेंट चांसेस हैं जबकि सिचुएशन ए है? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इसको हम बड़े ही आसानी के साथ किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस चीज को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज हम बहुत ही आसान और देसी तरीके से ये समझेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं। मेरा नाम अदन है और आज हम इस चीज को बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि आपको इसके बाद बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी जब भी आपसे कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेगा, जब बल्कि आप उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी बनती है। चलें शुरू करते हैं। तो हमने आज बात करनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो हम इस तरह करते हैं कि डेफिनेशन पे जाने की बजाय हम बड़े देसी तरीके से शुरू करते हैं, ठीक है? अस्यूम करें कि आप जो हैं वो एक पार्टी में गए हैं, ठीक है? वो स्कूल कॉलेजेस में हम पार्टी भी जाते थे, अब थोड़ा उस अपर लेवल पे हम चले जाते हैं, हम कॉलेज में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, ठीक है? तो आपकी यूनिवर्सिटी में पार्टी है, आपके डिपार्टमेंट ने या आपके क्लास फेलोज ने कुछ रखा है कि हम ना कुछ चिल सीन करने के लिए, बहुत हमने सेमेस्टर में मिड टर्म मारे हुए थे, तो उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए पार्टी करते हैं, ठीक है? तो उसमें आपका कोई ऐसा दोस्त होता है ना जो हमेशा कहता है कि इस चीज़ पर शर्त लगाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आपका एक दोस्त कहता है कि पार्टी में ना सब लोगों को समोसे और कोला पसंद है, अगर सब लोगों को कोला पसंद है ना तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा। तो आप क्योंकि समझदार होते हैं तो आपके जहन में आता है एक आइडिया कि ऐसे बिला वजह शर्त लगाने से बेहतर है कि मैं इसको प्रूफ करके बताऊं कि असल में क्या चीज़ है, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, आप पार्टी में जो लोग होते हैं ना उन सब से जाके पूछ लेते हैं, क्योंकि पार्टी में कम लोग हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, 14 लोग हैं टोटल, ठीक है? तो आप सबसे जाके पूछते हैं कि कितने लोगों को समोसे पसंद है और कितने लोगों को कोला पसंद है। आ रहा ना मुंह में पानी समोसे और कोला का नाम सुन के? वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको दोनों चीजें नहीं पसंद। खैर आपको क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आपने जब उन सबसे पूछा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 लोग ऐसे थे जिनको समोसे पसंद है सिर्फ, और 5 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ कोला पसंद है, 2 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है, और 3 लोग कहते हैं कि हमें तो ये दोनों ही नहीं पसंद, ठीक है? तो आप इसको, ये जो डायग्राम है वेन डायग्राम इसको कहते हैं, इसके साथ आप इसको एक टेबल में बना लेते हैं। टेबल में जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, जैसे ये वाला कॉलम है इसमें हमने ये लिखा कि कितने लोगों को समोसे पसंद हैं और कितने लोगों को समोसे नहीं पसंद, और साथ ही कितने लोगों को हमें कहा कि कोला पसंद है और कितने लोगों को नहीं पसंद। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, समोसा भी पसंद है कोला भी पसंद है, और 5 लोग ऐसे जो कहते हैं मैं समोसे तो नहीं पसंद लेकिन हम कोला पी लेते हैं, और 5 लोग ऐसे हैं, सॉरी 4 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें समोसा तो पसंद है लेकिन हम बोतल नहीं पीते या कोला नहीं पीते, और 3 लोग कहते हैं हमें नहीं पसंद टोटल, ठीक है? तो सवाल क्या था आपको याद है जो आपने शर्त लगाई थी अपने दोस्त के साथ कि कितने लोगों को समोसा और कोला पसंद है? वो कह रहा था कि सबको ही पसंद है, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, मुझे पता है कि ये हर बंदा खा लेता है। तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने लोगों को समोसा और कोला दोनों पसंद है, तो यहाँ से हम पता है कि सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है। बहुत आसान सी बात है ना कि जब हम कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम उस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर से, तो हमारे पास क्योंकि 14 लोग थे हमने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो बन गया हमारे पास 0.14, यानी कि 14%, सिर्फ 14% लोगों को ये दोनों चीज़ें पसंद है। तो आप तो शर्त जीत गए, मुबारक हो आपको। तो अब हमने क्या करना है, ये तो ठीक हो गया लेकिन अगर हम इसको मजीद डिटेल में देखें, पहले हम इस तरह करते हैं कि जो हमने ये इन्फॉर्मेशन लिखी है ये हम टेबल में डाल देते ताकि हमें याद रहे आगे हमने यूज़ करनी है। अगर तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि सिर्फ 14 लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है
वो है कि उनको दोनों चीजें पसंद है। तो इस तरह हम सबकी ही यहाँ पर टेबल में लिख रहते हैं कि 2/14 यानी कि 2/14 लोगों को दोनों चीजें पसंद है, 5/14 लोगों को समोसा नहीं पसंद, कोला पसंद। इस तरह हमने बाकी चीजें की भी प्रोबेबिलिटी लिख ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अगर ऐसा हो कि हम ये वाली बात करें कि कितने लोगों को कोला पसंद है, फिर हम समोसों को भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको कोला पसंद है आउट ऑफ 14। यस, तो 7 लोग ऐसे हैं जिनको कोला पसंद है डिवाइडेड बाय 14, तो हमें पता है कि आधे लोग हो गए। और इसी तरीके से आधे लोग ऐसे जिनको कोला नहीं पसंद। अब हम समोसों की बात कर लेते हैं, जो कोला में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो 6 लोग ऐसे हैं जिनको समोसा पसंद है आउट ऑफ 14, और 8 लोग ऐसे जिनको नहीं पसंद। तो हमने उस हिसाब से उनकी प्रोबेबिलिटीज लिख ली। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एकदम से आपने देखा एक बंदा, आपने ठीक है शर्त आपने जीत गई, आपके पास 100 रुपये आ गया, आप बैठे हुए थे, तो एकदम से एक बंदा आपका जो था क्लास का, आपका क्लास वाला था एक, ठीक है, तो उसने क्या किया, बोतल उठाने की आवाज आई, तो आपने देखा कि वो बोतल, आपके जहन में एकदम से सवाल आया कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहले मैं अपने आपको यहाँ से छोटा कर लूँ ताकि आपको स्टेटमेंट जो है वो पूरी नजर आ जाए। अब ठीक है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अभी जिस बंदे ने बोतल उठाई है उसको, हमें ये तो बात पता चलेगी कि उसे बोतल पसंद है, तो इसको समोसा भी पसंद होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये आपने अब कैलकुलेट करना, तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है। अब जो हमने टेबल बनाया है इसी में इसका आंसर हमारे पास मौजूद है। क्या होगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि जब हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, तो हम इस तरह लिखते हैं कि पी यानी कि प्रोबेबिलिटी लव्स, मैंने यहाँ पर एस और सी का लव्ज इस्तेमाल किया है, एस का मतलब समोसा और सी का मतलब कोला है, और ये वाली स्लैश आ रही है, ठीक है, ये वाली दरम्यान में, तो ये हमें बता रही है गिवन। ठीक है, ये बात हमें पता है कि ये चीज है। ठीक है, हमने कहा कि उसको लव्स सी यानी कि उसको कोला पसंद है, हमें ये बात पता चल गई, उसने एक बोतल उठाई तो कन्फर्म हो गया उसको कोला तो पसंद है। पर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें ये चीज पता है उसको कोला पसंद है, तो समोसा पसंद होगा या नहीं होगा, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब हमें कोई चीज पता हो और उसके साथ हमने कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, क्योंकि हमें एक कंडीशन लगा ली, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का बड़ा आसान तरीका होता है, आपने इसी टेबल में से इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि उसको कोला पसंद है, तो आपने ये जो ऊपर वाली रो है, ठीक है, इसी की इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि हमने अब उन लोगों को छोड़ देना है जिनको कोला नहीं पसंद, तो हमने 7 लोग हमारे पास रह गए, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में 7 लोग रखे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम यूजुअली वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो टोटल पॉपुलेशन की होती है, तो टोटल पॉपुलेशन हमारे पास जो कंसर्न है वही है कि उनको कोला पसंद है, तो 7 लोग ऐसे हैं जिनको कोला पसंद है, और हमने कहा कि उसको समोसा भी पसंद होगा कोला के साथ, तो यहाँ से हमने कहा था कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको पसंद है, तो 2/7 हमारे पास आएगा 29%। तो ये हमारे पास होगी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि वो बंदा आपका क्लास फेलो जिसको पता है, आपको पता है कि उसे कोला पसंद है, उसके साथ समोसा पसंद होगा या नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है 29%। ये तो आपने निकाल ली, बहुत ही आसान तरीका था। इसका एक जुगाड़ होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला, हम कहेंगे इसको मजीद हम किस तरह देख सकते हैं, दूसरा एंगल भी हम देख लेते हैं, कि जब हम इस तरह लिखते हैं ना कि पी लव्स एस एन सी, जो मैंने अभी कहा कि एस का मतलब समोसा है, सी का मतलब कोला है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जो पहला वाला पार्ट है कंडीशन के, उसको हम कर लेते हैं कि वो ऊपर आएगा न्यूमिनेटर में, और जो छोटे नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला देख लिया कि जो पहला वाला पार्ट हमारे पास है, ये लव्स एस समोसा एंड कोला, उसको हम न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं, और हमें ये पता है कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया है कि ऐसे ही बंदे की क्या प्रोबेबिलिटी जिसको दोनों चीज़ें पसंद है, यानी कि हमारे पास जो टोटल पॉपुलेशन है उनमें क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमारे पास आ गया 2/14। ठीक है, और न्यूमिनेटर में हम वो लिखेंगे इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है कि सिर्फ उसको कोला पसंद है, तो सिर्फ कोला पसंद है कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये 7/14। ठीक है, वो हमने डाल दिया, और इतना मैच तो हमें आता है कि 2/14 7/14 को हम कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/7, जो कि 2.029 बनता है, 29%, जो कि इक्वल था अभी हमने जो पीछे देखा उसके। यहाँ तक हमें पता चल गया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब आपके असाइनमेंट ये है कि आपने इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है
कि जो अभी बंदा जिसने बोतल खोली थी, ठीक है, या बोतल उठा के गया था, हमें ये तो पता चल गया कि उसे बोतल पसंद है या उसे कोला पसंद है। आपने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको समोसा नहीं पसंद, गिवन दैट उसको कोला पसंद है, ठीक है। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है और इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये क्या हो सकता है। दूसरी असाइनमेंट आपकी ये है इसमें कि आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड या अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देनी है, जिसमें हमने ये बताना है कि हम डे टू डे, आप डे टू डे उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको आज पता चला या आपने आज रियलाइज किया कि हाँ आप उस चीज को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के और अच्छे टॉपिक को देखेंगे इसी तरह देसी तरीके के साथ। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।